देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आइए फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं धमाकेदार 50। दिल्ली में केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पहले वर्चुअल स्कूल का किया ऐलान, स्कूल का नाम दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल होगा। विधायकों को फोन के जरिए ऑफर देने के केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, कहा एलजी को लिखी चिट्ठी, मामले की हो फॉरेंसिक जांच। गुजरात के सूरत में आम आदमी पार्टी के प्रदेश महामंत्री मनोज सोराठिया पर हुआ जानलेवा हमला, सोराठिया को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला करवाने का आरोप लगाया। रांची से रायपुर पहुंचे महागठबंधन के 31 विधायकों के मेहमान नवाजी पर बवाल, बीजेपी का बघेल सरकार पर सरकारी गाड़ी में विधायकों के लिए विदेशी शराब पहुंचाने का आरोप। छत्तीसगढ़ सरकार ने आरोपों से पल्ला झाड़ा, कांग्रेस ने वीडियो की सच्चाई पर उठाए सवाल, सुशील आनंद शुक्ला ने कहा इसका राज्य सरकार या कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बदला विवादित मंत्री कार्तिकेय सिंह का विभाग, कानून की जगह अब गन्ना उद्योग की मिली जिम्मेदारी, दरअसल कार्तिकेय पर अपहरण मामले में वारंट पर था विवाद। गौ तस्करी मामले में पश्चिम बंगाल के बीरभूम में सीबीआई की छापेमारी, जेल में बंद टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल से पूछताछ के बाद एक्शन, करीबियों से भी पूछताछ जारी। आज दुमका पहुंचेगी महिला आयोग की टीम, अंकिता के परिवार से करेगी मुलाकात, कल एनसीडब्ल्यू टीम ने डीजीपी से की थी मुलाकात। झारखंड के रिटायर्ड आईएएस और बीजेपी से निलंबित सीमा पात्रा को पुलिस ने कोर्ट में किया पेश, दिव्यांग नौकरानी को टॉर्चर करने के आरोप में हुई गिरफ्तारी। सोनाली फोगाट मौत मामले की जांच के लिए हरियाणा पहुंची गोवा पुलिस की टीम, हिसार पुलिस ने घर से गायब सीसीटीवी का डीवीआर किया बरामद, अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी। सोनाली फोगाट के बड़े भाई वतन ढाका ने किया बड़ा दावा, सोनाली फोगाट के पर्सनल सेक्रेटरी सुधीर सांगवान ने रची साजिश। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद गुजरात के मुद्रा में समंदर किनारे शूटर्स ने कराया था फोटो सेशन, मूसेवाला की हत्या का मनाया था जश्न। असम में आतंकियों से संबंध रखने वाला एक और मदरसा हुआ जमींदोज, प्रशासन ने अब तक 3 मदरसों को तोड़ा, आतंकियों से कनेक्शन मामले में इमाम समेत 37 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। यूपी के वाराणसी में बारिश और बाढ़ से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त, गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से सड़कों पर जलभराव, 30,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से बिगड़े हालात, किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद, आने जाने के लिए नाव का सहारा लेने को मजबूर लोग। यूपी के सहारनपुर में नदी में स्टंट करते हुए बच्चों का वीडियो सामने आया, छोटे छोटे बच्चे पुल के ऊपर से नहर में छलांग लगाते नजर आए, जो कि खतरनाक साबित हो सकता है। राजस्थान के धौलपुर में बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ाई, लगातार हो रही भारी बारिश से सड़क तालाब में तब्दील। बिहार के छपरा में बाहरी इलाकों में नदी का पानी घुसा, खेतों में जल भराव से किसानों की फसल नष्ट, गंगा के बढ़ते जलस्तर से लोगों में दहशत। केरल के कोट्टयम में आसमानी आफत का कहर जारी, सैलाब ने ज्यादातर घर डूबे, सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया। बिहार के मुंगेर में रिहायशी इलाकों में गंगा नदी का पानी घुसा, तेज बहाव में छोटे छोटे बच्चों की लापरवाही सामने आई, जहां पानी में बच्चे मस्ती करते नजर आए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में नदी में गाड़ी पलटने से एक आदमी की मौत, हादसे में 3 गंभीर रूप से जख्मी, एक की तलाश अब भी जारी। यूपी के सोनभद्र में खेत में मगरमच्छ मिलने से हड़कंप, गांव वालों ने रस्सी के सहारे किया रेस्क्यू, वन विभाग की टीम को सौंपा। यूपी के गाजियाबाद में घर के सामने बाहर बाइक पार्किंग को लेकर फायरिंग, गोली लगने से मोटरसाइकिल सवार जख्मी। बिहार के दरभंगा में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने किया पत्थरों और लाठी डंडों से हमला, पत्थरबाजी में एक जवान की मौत, कई पुलिसकर्मी घायल। यूपी के मऊ में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, एक दूसरे पर लाठी डंडों से किया जोरदार हमला, मारपीट में 8 महिलाएं जख्मी। यूपी के बांदा में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच खूनी झड़प, एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर तानी बंदूक, सोशल मीडिया में वीडियो वायरल। गुजरात के आनंद में एक लड़के को पेड़ से बांधकर बुरी तरह पीटा, एक लड़की से मिलने पर उसके घर गया था आरोपी। यूपी के मेरठ में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा, गुस्से में परिवार वालों ने डॉक्टर को पीटा, अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीर। यूपी के शामली में न्यूज 18 की खबर का असर, आरोपी दारोगा को किया गया लाइन हाजिर, थाना प्रभारी और दारोगा के बीच कहासुनी का वीडियो वायरल हो गया था। यूपी के कानपुर में मामूली विवाद में लोगों ने पुलिस के सामने ई रिक्शा चालक को बेरहमी से पीटा, मौके पर तमाशबीन बने रहे लोग।
बिहार के गोपालगंज में करोड़ों की जब्त शराब की बोतलों पर जेसीबी की चलाई गई मशीन, हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब की बोतलों को कानूनी प्रक्रिया के बाद नष्ट कर दिया गया। यूपी के बरेली में एसपी पार्षद शाहिद पर कसा शिकंजा, ड्रग तस्करी के आरोप में 10 करोड़ की संपत्ति जब्त, जमीन दुकान और कोठी समेत 34 संपत्तियों पर कार्रवाई। मध्य प्रदेश के दमोह में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुली, एम्बुलेंस नहीं आने पर गर्भवती महिला को हाथ ठेला पर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, वीडियो वायरल हो गया। यूपी के फरुखाबाद में बदमाशों ने दिन दहाड़े घर पर घुसकर महिला के साथ लूटपाट की, बदमाशों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। गणपति की स्थापना के साथ ही आज से 10 दिन तक गणेश उत्सव की शुरुआत, सिद्धि विनायक मंदिर में पहली आरती की गई, इस दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखी गई। मुंबई के लालबाग के राजा पंडाल में गणेश चतुर्थी के समारोह में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें, कोरोना महामारी की वजह से 2 साल बाद मनाया जा रहा है गणेश उत्सव। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा के दर्शन किए, आरती कर उनसे आशीर्वाद भी लिया। महाराष्ट्र के नागपुर में गणेश चतुर्थी की धूम, टेकड़ी में मंदिर में गणेश भगवान की पूजा अर्चना, भारी संख्या में लोग शामिल। कर्नाटक के हुबली में ईदगाह मैदान में गणेश प्रतिमा स्थापित, झूमते नजर आए श्रद्धालु, आधी रात को हाईकोर्ट ने गणेश उत्सव मनाने की मंजूरी दी। असम के गुवाहाटी में मनाया जा रहा है गणेश चतुर्थी का ये खास त्योहार, इस मौके पर श्रद्धालुओं ने गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। ओडिशा के पुरी समुद्र तट पर स्टैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाई गणेश की भव्य प्रतिमा, 3425 रेत के लड्डुओं का इस्तेमाल करके एक रेत में गणपति की मूर्ति को घेरा। मध्य प्रदेश के देवास में एएसपी सूर्यकांत शर्मा का मस्ती से झूमते वीडियो वायरल, देवा हो देवा गणपति देवा भजन पर भक्ति भाव में डूबे नजर आए इस एएसपी। भारत के कोरोना मैनेजमेंट का मुरीद हुआ वर्ल्ड बैंक, रिपोर्ट में की गई भारत की कोशिश की सराहना, पीपीई किट से टेस्टिंग तक के लिए आत्मनिर्भरता की भारत की तारीफ की गई। एशिया कप में आज भारत का हांगकांग से होगा मुकाबला, शाम 7:30 बजे दुबई में शुरू होगा मैच, जीतने पर सुपर फोर में पहुंचेगी टीम इंडिया। इराक में हिंसक झड़प के बीच ग्रीन जोन में भारी गोलाबारी, अब तक 30 की मौत, इराक के हाथ साथ लगी, सीमा को बंद किया गया। पाकिस्तान में लगातार भारी बारिश और बाढ़ से अब तक की सबसे बड़ी तबाही, करीब 70 जिलों में आपदा घोषित, बाढ़ में डूबा 1/3 पाकिस्तान। पाकिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ के बीच खैबर पख्तूनवा में जमीन धंसने से काराकोरम हाईवे का एक हिस्सा सैलाब में बह गया, सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियां सैलाब में तिनके की तरह बही। पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से खैबर पख्तूनवा के नौशेरा में हालात खराब, लोगों को रिलीफ कैंपों में ठहराया गया, प्रशासन और सेना प्रभावित लोगों की मदद करने में जुटी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में स्वात नदी में आई बाढ़ में 5 लड़के फंस गए, 1 लड़के को बचा लिया गया लेकिन बाकी 4 लड़के सैलाब में बह गए, जिनकी तलाश जारी। अमेरिका के मिशिगन में आंधी और तूफान ने कहर बरपाया, भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में घरों के ऊपर गिरे बड़े बड़े पेड़। बाकी टीम हरियाणा के लिए रवाना।